ओके स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियोस में हमने देखा एडिशन कैसे करते हैं। गेम के थ्रू हमने एडिशन सीखे, स्टोरी के थ्रू हमने एडिशन सीखा, है ना। स्टोरी मैम ने जो भेजी थी आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक्स में ये स्टोरीज दी हुई है। इन स्टोरी को अच्छे से आपको सुनना है, समझना है और इनको सॉल्व करने हैं अपनी बुक में और कॉपी में भी, ठीक है। आपके जो क्रॉस पजल्स वाले हैं ये आप अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपको ये लिजर्ड वाली जो स्टोरी दी हुई है ये भी आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। किलर लिजर्ड दिया हुआ है, इस स्टोरी को अच्छे से आप रीड करेंगे, सुनेंगे जो मैम ने वीडियो भेजे हैं, और उसके बाद आपकी कॉपी में भी सॉल्व करना, बुक में सॉल्व करना ही है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आज हम अब क्या करेंगे, एक फार्म देख रहे हैं, फॉरेस्ट देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ फॉरेस्ट में कौन रहता है आप बताओ, फॉरेस्ट में एनिमल्स रहते हैं, यस फॉरेस्ट में कौन रहते हैं, एनिमल्स। आज हम एनिमल्स की हेल्प से एडिशन करना सीखेंगे। एडिशन कैसे करना है देखो, ये कौन सा एनिमल है, विच एनिमल इज दिस, यस दिस इज हॉर्स, हॉर्स। विच एनिमल इज दिस, दिस इज हॉर्स, ओके। अब इस हॉर्स को हम ले चलते हैं नंबर्स के पास, यस। नाउ टेल मी विच नंबर इज दिस, ये नंबर कौन सा है, दिख रहा है आपको, 12। विच नंबर इज दिस, 12। कौन सा नंबर है ये, 12। अब 12 को हम क्या करेंगे, हॉर्स के माइंड पे रखेंगे। आपको अपने माइंड पे रखना है, आपको हॉर्स के माइंड पे नहीं रखना है, आप 12 नंबर को अपने माइंड पे रखिए। उसके बाद आपको ये कौन सा सिंबल दिख रहा है, प्लस एडिशन, 12 प्लस विश नंबर 3, ये कौन सा नंबर है, 3। तो 12 में हम 3 प्लस करेंगे, तो आपको 12 कहाँ पे रखना है, अपने माइंड में। 12 के बाद काउंटिंग आपको करनी है, 12 13 14 15, आपको कितनी टाइम्स काउंटिंग करनी है, 3 टाइम्स, है ना। तो 12 के बाद वाली आफ्टर नंबर की हम काउंटिंग करेंगे, 13 14 15। सो 12 प्लस 3 इक्वल्स टू 15, 12 प्लस 3 इक्वल्स टू 15, ओके। तो हॉर्स के कितने नंबर आए, 15, ओके। नाउ अब हम दूसरे एनिमल्स के पास चलते हैं, या ना टेल मी विच एलिफेंट, विच एनिमल, एलिफेंट, विच एनिमल, एलिफेंट, ओके। अब हम एलिफेंट को किसके पास ले चलते हैं, नंबर्स के पास, टन 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 टन, एनिमल्स ऐसे ही चलता है एलिफेंट, आप लोग इसके ऊपर बैठते हैं तो वो टन 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 भी बजाता है, ओके। अब हम किस नंबर के पास पहुंचे, 15, कौन सा नंबर है ये, 15 प्लस 2, तो 15 को हमें कहाँ रखना है, माइंड पे, और 15 के बाद आफ्टर नंबर हमें काउंट करना है, 15 16 17, ओके। 15 के बाद हम आफ्टर नंबर को काउंट करेंगे, तो 16 17, टू टाइम्स हमने काउंट किए, तो 15 प्लस 2 इक्वल्स टू 17, 15 16 17, 15 प्लस 2 इक्वल्स टू 17, 15 हमने माइंड पे रखना और आफ्टर 2 काउंट किए, 16 17, तो एलिफेंट के कितने नंबर आए, 17, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब हम किस एनिमल्स के पास चल रहे हैं, काऊ के पास, कौन सा एनिमल है ये, काऊ, काऊ के पास कौन सा नंबर है, 16 16, में हमें कौन सा नंबर प्लस करना है, 17, तो 16 को हम कहाँ रखेंगे अपने, 16 में हम कौन सा नंबर प्लस कर रहे हैं, 7, तो 16 को हमें कहाँ रखना है, माइंड पे, अपने दिमाग में रखना है, और 16 के आफ्टर वाले जो नंबर होंगे वो हम 7 टाइम्स काउंट करेंगे, 16 17 18 19 20 21 22 23, कितने नंबर आए, 23, फिर से हम काउंट करते हैं, 16 को हमने कहाँ रखा, माइंड पे, और 16 के बाद जो नंबर आते हैं आफ्टर नंबर उससे हम 7 टाइम्स काउंट करेंगे, 17 18 19 20 21 22 23, ये हमने 7 ब्लॉक्स को काउंट किए, कितने आए, 23। सो 16 प्लस 7 इक्वल्स टू 23, ओके।
अब स्टूडेंट्स आप बताइए, ये इतने एनिमल्स में विनर कौन सा एनिमल हुआ? आपने ऑब्जर्व किया, हम यहाँ पे गेम खेल रहे थे कि कौन सा एनिमल हार गया है और कौन सा एनिमल जीता है, सबसे ज़्यादा किस एनिमल्स के पास नंबर है और सबसे कम किस एनिमल्स के पास नंबर है। ओके, तो अब आप बताइए कौन से एनिमल के पास सबसे ज़्यादा नंबर है, कौन सा एनिमल विनर बना है? ऑब्जर्व करो, 23, 15, 17 बिगेस्ट नंबर कौन सा है? 23। सो विनर कौन हुआ? काऊ। काऊ के लिए हम क्या करेंगे? क्लैपिंग। और कौन सा एनिमल हार गया? हॉर्स तो सबसे ज्यादा तेज दौड़ता, पर देखो हॉर्स तो हार गया, हॉर्स के पास कितने नंबर आए? 15। तो सबसे कम नंबर किसके पास है? हॉर्स के पास। ओके, तो आपको भी ऐसे अपने घर पे एक आपके जो टॉयज वाले एनिमल्स होते हैं ना, ऐसे ही आप फ्लैश कार्ड बनाएंगे और उससे एक गेम खेलते हुए वीडियो बनाकर मुझे सेंड करेंगे। और इसके अलावा जो मैं आपको वर्कशीट सेंड करूँगी वो आपको कॉपी में अपने सॉल्व करना है और मुझे सेंड करना है। ओके, थैंक यू।